दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने हमें कुछ बेहद ही एपिक मूवीज और सीन्स दिखाए हैं। अब कैप्टन अमेरिका द्वारा थॉर का हथौड़ा उठाना हो या स्पाइडरमैन का धूल में कन्वर्ट हो जाना, ये सीन्स इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। इन मूवीज को और ज्यादा स्पेशल बनाती है इनके पीछे की फिजिक्स। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, साल 2008 में जब आयरन मैन मूवी रिलीज हुई थी, तब वो क्यों इतनी ज्यादा फेमस बनी? वेल, टोनी स्टार्क और आयरन मैन एज ए सुपर हीरो तो फैक्टर था ही, लेकिन मूवी में दिखाए गए वो सीन्स जिसमें टोनी स्टार्क पहली बार अपने सूट्स बनाता है या फिर पहली बार उनकी टेस्टिंग करता है, उनकी वजह से आज लोग बार बार मूवी को देखते हैं। ये सीन्स बेहद ही अलग तरह से रियलिस्टिक लगते हैं। मार्वल मूवीज की खास बात यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स को रियलिस्टिक रखने की कोशिश करती है। हालांकि उनकी अनरियलिस्टिक चीजें भी मूवीज का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, लेकिन रियल और अनरियल चीजों को परफेक्ट बैलेंस में मिलाकर मार्वल एक ब्यूटीफुल मूवी बना देता है। आज के इस वीडियो में हम मार्वल मूवीज के कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग सीन्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने हर एक छोटी डिटेल पर फोकस करके मूवीज को बनाया है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने रियल फिजिक्स और थियरीज को अपनी मूवीज में दिखाने की कोशिश की है। तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं फिजिक्स बिहाइंड मोस्ट फेमस मार्वल सीन्स। Avengers Infinity War। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Avengers Infinity War की। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि थैनोस ने एस्गार्डियंस की शिप पर हमला कर दिया है। थैनोस थॉर और हल्क जैसे पावरफुल हीरोज को भी हरा चुका है। अब थैनोस ने उनकी शिप पर इसीलिए हमला किया था क्योंकि उसे द स्पेस स्टोन चाहिए था। थॉर रैग्नारोक मूवी के अंत में हमने देखा था कि लोकी स्पेस स्टोन को एस्गार्ड से चुरा लेता है। अपने भाई थॉर को बचाने के लिए लोकी चुराए हुए स्पेस स्टोन को थैनोस के हाथ में दे देता है। अभी सीन के तुरंत बाद ही लोकी अपने खंजर से थैनोस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने स्पेस स्टोन की मदद से वो उस खंजर को हवा में ही रोक लेता है। अब असल में इस छोटे से सीन के पीछे एक बहुत ही अच्छा साइंस छुपा हुआ है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में एमी नॉयदर नाम के एक साइंटिस्ट ने स्पेस और मोमेंटम के बीच एक गहरा कनेक्शन दिखाया था। स्पेस स्टोन को कंट्रोल करने से थैनोस केवल पोर्टल्स खोलकर यूनिवर्स में कहीं भी नहीं जा सकता, बल्कि वो उसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी कंट्रोल कर पा रहा था। अब अगर आप इस सीन में लोकी के हाथ को देखेंगे तो एक ब्लू कलर की लाइट देखी जा सकती है जो कि स्पेस स्टोन से आ रही है और जो कि लोकी के मोमेंटम को पूरी तरह से रोक देती है। अब इस बात का एक और सबूत हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में भी देखने को मिला था। अब क्या आपने सोचा है कि हाइड्रा ने केवल स्पेस स्टोन की मदद से ही अलग अलग फोर्स बीम के हथियार कैसे बनाए थे? वेल, ये क्लियरली दिखा रहा था कि स्पेस और मोमेंटम में एक गहरा कनेक्शन है। आयरन मैन मूवी ने पूरे मार्वल यूनिवर्स की शुरुआत की थी। टोनी स्टार्क केवल अपने जीनियस और इंटेलिजेंस की मदद से एक सुपर हीरो बन गया। टेररिस्ट द्वारा किडनैप होने के बाद उसने एक गुफा में लोहे के टुकड़ों से अपना पहला सूट बना दिया था। हालांकि वो सूट बेहद ही भारी थी और प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल था। अब अपने घर आकर टोनी उसी सूट को टाइटेनियम से बनाता है जो लोहे से हल्का और कई गुना ज्यादा ताकतवर है। मूवी में दिखाए गए आर्क रिएक्टर के अलावा इसकी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास एक्सोस्केलेटन्स है, प्लेटिंग्स है और यहाँ तक कि जेट बूट्स भी है। बस उन्हें पावर देने के लिए एक आर्क रिएक्टर जैसा सोर्स नहीं है। अब आर्क रिएक्टर के इतने कम साइज के होने के बावजूद उसके अंदर 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जितनी पावर है। लेकिन यार, हम उस चीज की बात करते हैं जो आज रियलिस्टिक है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब टोनी स्टार्क अपने हाथों से रिपल्सर रे शूट करता है तब वो किसी वॉइस कमांड का यूज नहीं करता है, बल्कि वो बस सोचता है और चीजें हो जाती है। वेल, ये इसीलिए है क्योंकि उसने साइबरनेटिक हेलमेट पहना होता है जो उसके थॉट्स को पहचान कर उस इन्फॉर्मेशन को अपने आप सूट तक पहुंचा देता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी आज के लाइफ में भी रियल में मौजूद है। जब हम सोचते हैं तब हमारा माइंड रेडियो वेव्स छोड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स एक ऐसा साइबरनेटिक हेलमेट बना रहे हैं जो उस रेडियो वेव्स को पहचानता है और उन्हें एम्पलीफाई करके ब्लूटूथ द्वारा दूसरे डिवाइस में भेज देता है। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम प्रोस्थेटिक्स बना रहे हैं ताकि पैरालिसिस जैसे बीमारी से लड़ा जा सके। Spider-Man 2। दोस्तों, साल 2004 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन मूवी में एक बेहद ही आइकॉनिक सीन दिखाया गया है जिसमें स्पाइडरमैन अपने वेव्स और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक चलती हुई ट्रेन को रोक देता है। अब चलिए, अगर हम मान लेते हैं कि स्पाइडरमैन की बॉडी में सच में इतनी शक्ति है कि वो एक ट्रेन को रोकने के प्रेशर को सह सकती है, लेकिन फिर भी
क्या उसके वेब्स में भी इतनी ही पावर होनी चाहिए थी? वेल, मार्वल के कुछ डाई हार्ड फैंस ने इस सीन को सेकंड बाय सेकंड ब्रेक करके कैलकुलेशंस करने की कोशिश की है। ट्रेन के मास को ऑब्जर्व किया गया, ट्रेन के दोनों तरफ से पास हो रहे सिटी ब्लॉक्स से उन्हें ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी निकाली, सीन में उन वेव्स के स्ट्रेच होने के डिस्टेंस को नापा गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी गिन लिया कि स्पाइडरमैन कितने वेव्स का इस्तेमाल करके ट्रेन को रोक रहा है। अब इन सभी डेटास को कनेक्ट करके ये पता चला कि वेव्स के ऊपर 1000 मेगा पास्कल्स का टेंजाइल स्ट्रेंथ लगा था और इतना प्रेशर सहने के बाद वो ट्रेन को रोक पाया था। अब यार मजे की बात यह है कि असली स्पाइडर सिल्क के अंदर 1200 मेगा पास्कल्स तक का स्ट्रेंथ होता है। अगर स्पाइडरमैन के वेव्स भी इतने ही स्ट्रॉन्ग थे तो ये सीन थियोरेटिकली जरूर पॉसिबल था। डॉक्टर स्ट्रेंज। दोस्तों, जब पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से मिलता है तब वो उनकी कही हुई हर बात को नकार देता है। वो मैजिक जैसी चीज में बिलीव करना ही नहीं चाहता था, यहाँ तक कि वो एंशिएंट वन की एक से ज्यादा रियलिटी होने की बात को भी नकार देता है। फिर तब एंशिएंट वन उसे अलग अलग रियलिटीज के थ्रू ट्रैवल करवाती है और उसे फाइनली बिलीव करवाती है। अब दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो एटम्स की प्रॉपर्टीज और उनके लाइट के साथ इंटरैक्ट होने के तरीके को समझाती है। क्वांटम मैकेनिक्स की एक चीज साइंटिस्ट को बहुत परेशान करती है, वो ये है कि इसके आंसर्स केवल अंदाजे में दिए जा सकते हैं। हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन स्पेस और टाइम में इस जगह पर है, लेकिन किसी भी तरह से इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता। अब एक अलग एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि एक्चुअल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस लोकेशन पर पाते हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स में वो किसी और ही लोकेशन पर जमा हो, तो ऐसा हो सकता है कि एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को अलग पैरेलल अर्थ में घुमाती है जहां के क्वांटम डिवेशंस हमारे अर्थ से बेहद अलग है। लेकिन इस थियरी के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की ज्यादातर सभी चीजें मैजिक से रिलेटेड ही है, यानी कि सच नहीं हो सकती। एवेंजर्स। अब दोस्तों, एवेंजर्स मूवी ने हमें एक और टॉप सीन दिया था। थॉर पहली बार जब टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन से मिलता है तो उनकी मुलाकात एक जबरदस्त लड़ाई से होती है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं कि तभी बीच में कैप्टन अमेरिका आ जाता है और थॉर से उसकी धरती पर आने की वजह पूछता है। थॉर कहता है कि वो लोकी के प्लान्स को रोकने के लिए आया है। बदले में कैप्टन अमेरिका उसे अपना हथौड़ा नीचे रखने को कहता है। अब गुस्से में आकर थॉर अपने हथौड़े को कैप्टन अमेरिका के वाइब्रेनियम शील्ड में मार देता है, लेकिन इस खतरनाक हमले के बाद भी कैप्टन अमेरिका को कुछ भी नहीं होता। पर ऐसा क्यों? वेल यार, वाइब्रेनियम केवल धरती का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट नहीं था, बल्कि उसकी खास बात यह भी थी कि वो हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता था। लेकिन क्या सच में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है? वेल यार, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जब थॉर अपना हथौड़ा उस वाइब्रेनियम शील्ड पर मारता है तब वो एनर्जी साउंड वेव्स में बदल जाती है। और सिर्फ साउंड वेव्स में ही नहीं, बल्कि अगर आप ठीक से देखेंगे तो कॉन्टैक्ट से ब्लू कलर के अल्ट्रा वायलेट लाइट भी देखी जा सकती है। अब ये दिखाता है कि वाइब्रेनियम एक परफेक्ट सोनो ल्यूमिनेसेंट मटेरियल है। सोनो यानी कि साउंड और ल्यूमिनेसेंट यानी कि लाइट। आप अगर साउंड वेव्स अंदर फेंकोगे तो लाइट बाहर आएगी। ये फिजिक्स का एक रियल फेनोमेना है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि वाइब्रेनियम रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मार्वल मूवीज के पीछे का रियल साइंस। अब आपको अगर इसका सेकेंड एपिसोड चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना होगा। अगर वीडियो में ज्यादा लाइक और कमेंट्स आए तो डेफिनेटली मैं इसका सेकेंड एपिसोड लेकर आऊंगा, जहां पर हम और भी ऐसे रियलिस्टिक साइंस वाले सीन्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।